आदरणीय गणेश जोशी जी, हमारे बहुत वरिष्ठ विधायक आदरणीय खजानदास जी, आदरणीय उमेश शर्मा काऊ जी, आदरणीय सविता कपूर जी, भारतीय जनता पार्टी के महानगर के अध्यक्ष, जिन्होंने आज की रैली में अपना संपूर्ण योगदान इसमें दिया है, नेहा जी के साथ भाई सिद्धार्थ अग्रवाल जी, भारतीय जनता युवा मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और हमारी युवा नेत्री बहन नेहा जोशी जी, मंच पर आसीन हमारे बहुत वरिष्ठ नेता आदरणीय ज्योति गैरोला जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रेसी सिंह जी और बत्सल जी, रोहन जी, हमारे युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भाई शशांक रावत जी, प्रदेश उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी भाई शैलेंद्र बिष्ट जी, कुलदीप कुमार जी, विनोद उनियाल जी, मधु भट्ट जी एवं मंचा सिंह हमारे तेजस, मेरे बहुत पुराने साथी, जब हम युवा मोर्चा में थे तब से आज तक ही युवा मोर्चा में ही है, भाई तेजेंद्र पाल भग्गा जी और इस विशाल महापद यात्रा में आए हुए हमारे सभी कार्यकर्ता भाइयों एवं बहनों, उपस्थित पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, मैं सबसे पहले तो हमारे राज्य की स्थापना, जिनके प्रधानमंत्री रहते हुए हमारा राज्य आज से 23 साल पहले बना था, भारत रत्न परम श्रद्धे अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी नमन करना चाहता हूं कि उससे ठीक एक दिन पहले, उनका कल जन्म दिवस है, उसके जन्म दिवस से एक दिन पहले भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के तत्वाधान में विशाल पदयात्रा का आयोजन किया गया है। मैं श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का नमन करना चाहता हूं कि उन्होंने राज्य बनाया और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारे प्रदेश को संवारने का और आगे बढ़ाने का काम उनके नेतृत्व और मार्गदर्शन में लगातार आगे हो रहा है। भाइयों बहनों, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जिस संकल्प के साथ ये राज्य बनाया था, उस संकल्प की पूर्ति के लिए हम निरंतर काम कर रहे हैं और मोदी जी के नेतृत्व और उनके मार्गदर्शन में पिछले, अगर हम 9 सालों की 10 सालों की बात करें, उत्तराखंड के अंदर जितनी योजनाओं को स्वीकृति भारत सरकार ने दी है वो भूतो न भविष्य की, जो पहले कभी नहीं हुआ, 1.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा की योजनाओं को उत्तराखंड के अंदर स्वीकृति मिली है। भाइयों बहनों, आज उत्तराखंड का अगर कोई भी कोना देखेंगे आप तो चारों तरफ सड़कों का जाल बिछ गया है, चाहे चार धाम ऑल वेदर सड़कें हो या अभी कुछ ही दिनों के बाद दिल्ली से देहरादून को जोड़ने वाला एक्सप्रेस हाईवे हो, ये बनकर तैयार हो रहा है। उसके बनने के बाद उत्तराखंड की तकदीर और इसका पूरा देखने का जो नजारा है वो अलग होने वाला है। भाइयों बहनों, दिल्ली से देहरादून की दूरी मात्र 2 से 2.5 घंटे की होने वाली है। आप सोचिए कि दिल्ली का NCR का एक हिस्सा हमारा ये देहरादून भी हो जाएगा। आज आप सबके बीच में मैं कुछ बातें करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, मोदी जी ने जो भी सार्वजनिक मंचों से आकर उत्तराखंड के अंदर जितनी बातें उन्होंने कही हैं वो सारी बातें उन्होंने पूरी की हैं, और आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है, विश्व गुरु बन रहा है। 2014 से पहले एक कालखंड ऐसा था जब बड़े बड़े मंच, जो विश्व के मंच होते थे, उस मंचों पर भारत अपने हितों की बात भी नहीं कर पाता था। अब
अपने हितों की बात नहीं कर पाता था, कोई भारत को गंभीरता से नहीं लेता था। लेकिन अब समय बदल गया है, अब विश्व का कोई भी मंच होता है, विश्व की कोई भी घटना होती है तो पूरा विश्व भारत के रूप का इंतजार करता है कि भारत क्या कहने वाला है, क्योंकि हमारे पास आज ऐसा नेतृत्व है। भाई बहनों, आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत मजबूत राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ रहा है और तमाम काम जो आज हो रहे हैं ये सारे काम बहुत पहले हो जाने चाहिए थे। ये प्रश्न केवल मेरा नहीं है, ये प्रश्न इस मंच से बैठे हुए लोगों का भी नहीं है। अगर हम बहुत सारे बातों की बात करेंगे, अभी तेजस्वी सूर्या जी बोल रहे थे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी बोल रहे थे, उन्होंने बहुत सारी बातें रखी हैं, और अगर हम प्रश्न करें कि ये काम जो आज प्रधानमंत्री मोदी जी के कालखंड में हो रहे हैं, क्या ये काम पहले नहीं हो सकते थे? ये काम पहले भी हो सकते थे, बताइए, हो सकते थे कि नहीं हो सकते थे? लेकिन इन सरकारों की इच्छा शक्ति नहीं थी भाइयों बहनों। आज देखिए, हम लंबे समय से उत्तराखंड के अंदर रहने वाले तेजस्वी जी, प्रत्येक उत्तराखंडी राम भक्त भी है और राष्ट्र भक्त भी है, और सेना के अंदर हमारे उत्तराखंड से जाने वाले जो सैनिकों का जो योगदान है वो उत्तराखंड का सर्वाधिक हमेशा रहा है। ये देवभूमि के साथ साथ वीर भूमि भी है भाइयों बहनों, क्योंकि आज मोदी जी के नेतृत्व में 22 जनवरी को भगवान रामलला उसी अयोध्या में विराजमान होने वाले हैं, जिनके बारे में हम कहते थे रामलला हम आएंगे, क्या कहते थे, रामलला हम आएंगे, कहते थे रामलला हम आएंगे, तो राम मंदिर निर्माण का सपना सच होने जा रहा है, क्योंकि मोदी है ना। बनारस में काशी विश्वनाथ में बाबा विश्वनाथ की नगरी में बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर, उसका पुनर्निर्माण और नवनिर्माण, भव्य काशी और दिव्य काशी बनाने का काम हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। हम कह सकते हैं कि मोदी उज्जैन में महाकाल लोक, महाकाल कॉरिडोर बनाने का काम संपन्न हुआ, पूरे भारत को समर्पित हुआ, क्योंकि मोदी है ना। और हमारे उत्तराखंड में आप सब जानते हैं केदारनाथ और बद्रीनाथ का जो मास्टर प्लान है, उस मास्टर प्लान पर तेजी से काम हो रहा है, और केदारनाथ जी का तो जो पुनर्निर्माण का काम है 2013 के बाद जिस तेज गति से हुआ है, वो उत्तराखंड के लोग नहीं, भारत के लोग नहीं, बल्कि पूरे विश्व के लोग देख रहे हैं, क्योंकि मोदी है ना। कश्मीर के अंदर हम उत्तराखंड के लोग लगातार, चाहे कोई भी युद्ध हुआ हो 1962 से लेकर, देश की आजादी से लेकर अब तक जितने युद्ध हुए, उन युद्धों में उत्तराखंड के लोगों ने अपना सर्वोच्च बलिदान देने का काम किया है। कश्मीर के अंदर भी हमारे राज्य से अनेकों लोगों ने शहादत दी है, देश के भी 40,000 से ज्यादा लोगों ने कश्मीर को बचाने के लिए, उस धारा 370 को समाप्त करने के लिए लगातार संघर्ष किया है। अब जाकर धारा 370 प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में समाप्त हुई है, क्योंकि मोदी है ना। हमारी मुस्लिम बहनों को 3 तलाक से छुटकारा दिलवाया गया, क्योंकि मोदी है ना। और मैं उत्तराखंड की बात करूं या देश की बात करूं, देश के अंदर अभी अभी नारी शक्ति बंधन अधिनियम जो कानून बन गया, मातृशक्ति के लिए एक प्रावधान बन गया, देश की आजादी में ऐतिहासिक काम हुआ, और हमारी मातृशक्ति को आरक्षण का लाभ दिया जाएगा, क्योंकि इस बात पे तो आप लोगों को जोर से बोलना चाहिए। इधर भी उत्तराखंड के अंदर हमने 23 सालों में पहली बार भर्तियों में बार बार घोटाले होते थे, बार बार प्रश्न पत्र लीक हो जाते थे, कभी पेन ड्राइव से नकल होती थी,
कभी पर्चा आउट हो जाता था, कभी प्रश्न पत्र बनाने वाले ही बिक जाया करते थे, सौदेबाजी हो जाती थी और हमारे गरीब माता पिता के बेटे और बेटियों का हक मारा जाता था, उनकी मेहनत को लूट लिया जाता था, डाका मार दिया जाता था। भाइयों बहनों, हमने देश का सबसे सख्त नकल कानून बनाया क्योंकि मोदी जी ने उनके मार्गदर्शन में हमने ये काम किया। पहली बार धर्मांतरण को रोकने के लिए हमने 23 वर्षों में देश का सबसे सख्त धर्मांतरण का कानून लागू किया क्योंकि मोदी जी है ना, उनके नेतृत्व में हमारा राज्य भी चल रहा है, देश भी चल रहा है उनके मार्गदर्शन में। इसी प्रकार से पहली बार हमने लैंड जिहाद और लव जिहाद दोनों पर सख्त फैसले लिए हैं और 5000 से भी ज्यादा सरकारी जमीन, 5000 एकड़ से भी ज्यादा सरकारी जमीन हमने अतिक्रमण से मुक्त करवाई है। भाइयों बहनों, आप सब जानते हैं पूरे देश के अंदर आज उत्तराखंड फिर से जो उत्तराखंड का मूल स्वरूप है उसको बनाने के लिए केवल उत्तराखंड के लोग ही नहीं, पूरे देश दुनिया के लोग जिनकी देवभूमि में आस्था है वो सारे के सारे लोग कहीं ना कहीं इस काम के लिए पूरे उत्तराखंड वासियों को साधुवाद दे रहे हैं। इसी प्रकार से समान नागरिक संहिता उसको बनाने के लिए जो हमने उत्तराखंड की देवतुल्य जनता से इस विधानसभा के आम चुनाव से पहले हमने ये संकल्प लिया था, हमने उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने अपना संकल्प रखा था और उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने हमको आशीर्वाद दिया, दोबारा सरकार में आने का अवसर दिया, सेवा करने का अवसर दिया और हमने उसके लिए कमेटी बनाई। हमारा ड्राफ्ट उस कमेटी ने बनाकर तैयार कर लिया है, अगले माह तक हमको जैसे ही ड्राफ्ट मिल जाएगा, ड्राफ्ट मिलने के बाद उत्तराखंड की सरकार उसको लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेगी। हमारी मातृशक्ति के लिए ये राज्य हमारी माताओं बहनों ने कितनी कठिनाइयों से बनाया है, कितनी कठिनाइयों में संघर्ष किया है, चाहे हम आज खटीमा गोलीकांड की बात करें या मसूरी गोलीकांड की बात करें या मुजफ्फरनगर रामपुर तिराहा के उस भीषण संघर्ष की बात करें जिसमें अत्याचार से लेकर तमाम प्रकार की जितनी यातनाएं हो सकती थी वो हमारी माताओं बहनों के साथ हुई। इसलिए माताओं बहनों को आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए, उसके लिए हमने प्रदेश के अंदर अपनी माताओं बहनों के लिए 30% का क्षैतिज आरक्षण की भी यहाँ पर व्यवस्था करी है। भाइयों बहनों, पहली बार राज्य के अंदर भ्रष्टाचारियों पर हमने सख्त कार्रवाई की है क्योंकि हमारे ऊपर आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का आशीर्वाद है, उनके मार्गदर्शन में हम लगातार ऐसे काम कर रहे हैं जो देवभूमि को जिसकी जरूरत है, उत्तराखंड को जिसकी जरूरत है। भाइयों बहनों, पहली बार प्रदेश के अंदर हमने राजस्व पुलिस को रेगुलर पुलिस के रूप में बदलने का काम किया है। इसी प्रकार से डेस्टिनेशन उत्तराखंड अभी अभी आप लोगों ने देखा होगा, प्रदेश के अंदर आज हमारा देहरादून भी बदल गया है। तेजस्वी जी आप भी आए होंगे तो आपको देहरादून, तेजस्वी जी पिछली बार आए थे तो इस बार और पिछली बार में सड़कों में और यहाँ की दीवारों में आपको अंतर दिखाई दे रहा होगा। हमने दुनिया के सभी लोगों को उत्तराखंड में आमंत्रित किया और मुझे खुशी है कि हमें उन सबका आतिथ्य करने का सौभाग्य मिला और दुनिया के 50 से भी ज्यादा देशों के प्रतिनिधियों ने आकर हमारे इन्वेस्टर ग्लोबल समिट में भाग लिया जिसमें एक बड़ी संख्या में हमारे साथ उन्होंने निवेशकों पर करार भी किए हैं और जल्दी हम उसको धरातल पर उतारने की प्रक्रिया को भी आगे बढ़ा रहे हैं, तेजी से हम ग्राउंडिंग की ओर बढ़ रहे हैं। यह भी काम पहली बार राज्य स्थापना के बाद पहली बार हुआ है। इसके साथ साथ भाइयों बहनों, विपक्ष की सरकारों ने जो देश के अंदर देश को खोखला करने का काम किया वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। अब इन सब की दुकानें बंद हो गई है क्योंकि मोदी जी है ना, मोदी जी के रहते हुए इनकी दुकानें बंद हो रही है। जो एक दूसरे की शकल भी नहीं देखना चाहते थे वो सारे के सारे अब गठबंधन कर रहे हैं, आपस में गलबैया कर रहे हैं, बेमेल गठबंधन कर रहे हैं जो लंबा चलना नहीं है, लेकिन केवल और केवल अपने परिवारों को बचाने के लिए, अपनी पार्टियों को बचाने के लिए इस प्रकार का गठबंधन कर रहे हैं। और देश की जनता ने जो सेमीफाइनल था, अभी 3 राज्यों के 4 राज्यों के चुनाव हुए, 3 राज्यों में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जिस पूर्ण बहुमत और संपूर्ण बहुमत की सरकार है वहां की जनता ने बताई है, उन्होंने अपने मन की बात कह दी है कि 2024 में क्या होने वाला है। 2024 में 3/4 बहुमत से फिर से
भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है और प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। भाइयों बहनों, किसी की हिम्मत नहीं है। जैसा तेजस्वी जी कह रहे थे, आज हमारी जो सेना है वो दुश्मन के घर में जाकर सर्जिकल स्ट्राइक करती है। पहले गोली आती थी तो गोली का जवाब देने के लिए पूछना पड़ता था कि गोली का जवाब देना है कि नहीं देना है, और आज हमारी सेना गोली का जवाब गोलों से देने का काम करती है, क्योंकि मोदी जी है ना। किसी की हिम्मत नहीं है मोदी जी के रहते हुए जो भारत की तरफ देख सके, इसलिए मैं आप सभी से आग्रह करना चाहता हूँ। और हमारे युवा मोर्चा के अध्यक्ष तेजस्वी जी भी हैं, उनकी पूरी टीम भी यहाँ आई हुई है। मैं उत्तराखंड की तरफ से आपसे कहना चाहता हूँ, क्योंकि केंद्र की तरफ से भी आप हमारे यहाँ प्रतिनिधि हैं, कि यहाँ पर 2014 का चुनाव हुआ, 2014 के चुनाव में मोदी जी को प्रधानमंत्री पद के लिए जब सामने किया गया था तो उत्तराखंड की जनता ने यहाँ की पांचों की पांचों लोकसभा सीटें भारी बहुमत से जिताकर भेजी थी, और 2019 के चुनाव में भी पांचों की पांचों सीटें जीती थी। और जब से मोदी जी देश का नेतृत्व कर रहे हैं, उत्तराखंड का कोई भी चुनाव भारतीय जनता पार्टी के बिना गया नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने ही सारे चुनाव जीते हैं, इसलिए 2024 के चुनाव में भी 2014 से बढ़कर 2019 में हुआ, 2019 से बढ़कर 2024 में होगा। इसलिए आज इस अवसर पर इतनी विशाल संख्या, और बहुत देर भी हो गई है, जल्दी से हमको ये पद यात्रा शुरू करनी है। मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि आप आज यहाँ से संकल्प लेकर जाइए, यहाँ से सौगंध लेकर जाइए और शपथ लेकर जाइए कि हम मोदी जी के हाथों को मजबूत करेंगे। केंद्र और राज्य की जो योजनाएं जनहित में चल रही है, आम जनता सामान्य जनता के लिए चल रही है, उनको जन जन तक पहुंचाने का काम हमारे युवा मोर्चा के लोग करेंगे, हमारे कार्यकर्ता भाई बहन करेंगे, आए हुए सभी बंधु करेंगे। मैं आज आप सबको बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि मैं तो सोच रहा था कि तेजस्वी जी आप भी आने का हो गया, और महेंद्र भंडी जी मुझे फोन कर रहे थे दिल्ली से कि कार्यक्रम में जरूर रहना है, तो मैं सोच रहा था 2,000, 4,000, 5,000 लोग हो जाएंगे, लेकिन यहाँ तो दिख रहा है कि हजार नहीं कई कई हजारों लोग आज इस परिसर में भी है और परिसर के बाहर इससे कम से कम 10 गुना ज्यादा लोग हैं, क्योंकि मैं आया हूँ। अब मुझे आने में इतनी परेशानी हो गई, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे नौजवान हमारे युवा किस दिशा में चल रहे हैं। मैं अंत में एक बार फिर से आप सभी को इस सफल आयोजन के लिए बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, और अभी महेंद्र भट्टी ने एक विषय यहाँ पर बोला था कि कुछ लोग जो सीधे सीधे अब सरकार के सामने खड़े नहीं हो सकते, हमारी पार्टी के सामने खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि हम कोई काम ऐसा कर नहीं रहे, हमने बातचीत के दरवाजे सबके लिए खुले रखे हुए हैं, संवाद के रास्ते हमेशा खुले हुए रखे हैं, कोई भी मामला होता है हम बातचीत करते हैं, उन बातचीतों से रास्ता निकालते हैं। अभी हमारे कर्मचारी भाई तमाम प्रकार की उनकी मांगे थी, हमेशा आंदोलन में रहते थे, मैंने उनको कहा कि आइए हमसे बात करिए, बात की और उनके सारे मुद्दे समाप्त हो गए, धीरे धीरे सारे मुद्दे। इसी प्रकार से कुछ लोग अब सामने नहीं आ रहे हैं, वो पीछे से कुछ नौजवानों को बरगलाने का काम कर रहे हैं, युवाओं को बरगलाने का काम कर रहे हैं। देखिए, चाहे मूल निवास का मुद्दा हो या भू कानून हो, इससे पहले भी जितने मुद्दे हैं, जितने मैंने आपके सामने रखे कम समय है, इससे मैं उसको रख नहीं पाया, लेकिन मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, राज्य के हित में जहाँ पर भी जो भी जरूरत पड़ेगी हम उसमें 1% भी पीछे रहने वाले नहीं है, क्योंकि राज्य का हित, यहाँ के नौजवान युवाओं का हित हमारे लिए सबसे पहले है। आज इन्वेस्टर समिट में इतनी बड़ी संख्या में उद्योग धंधे लगा लोन लगाने के लिए आए हैं, उनसे भी हमने कहा है हम उसी को प्राथमिकता देने वाले हैं, उसी समूह को सारी सुविधाएं देने वाले हैं जो हमारे नौजवान युवाओं को रोजगार देने वाला है, जो सर्वाधिक रोजगार की बात करेगा। इसलिए हम पूरी तरह से कटिबद्ध है, किसी को कोई संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। राज्य के हित में जो भी निर्णय लेने होंगे वो निर्णय हम हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में उनके नेतृत्व में लेंगे, हमारे राज्य की सरकार लेगी, हमारी पार्टी लेगी। मैं एक बार फिर से आप सभी को बहुत शुभकामनाएं देते हुए कि आपने जो ये संकल्प आप शुरू किया, जो पद यात्रा शुरू की है, ये पद यात्रा यही रुकनी नहीं चाहिए, केवल देहरादून महानगर तक इसको सीमित नहीं होना है।